हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। मेरे चैनल में एक आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि ये दिन को खाना नहीं खाती है। इस वजह से वो बहुत डरी होती है बहुत ज़्यादा। जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो आते हैं घर में, और उसकी जो वाइफ होती है वो उनके हाथ से बैग लेती है और साइड में रख देती है, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप जाएं जाके फ्रेश अप होके आ जाएं। फिर जो उनके हस्बैंड होते हैं वो जाते हैं, जाके फ्रेश अप होके आते हैं और सोफ़े पर बैठ जाते हैं। अब आगे ऐसे ही हमारी प्रीता के पापा जो होते हैं सोफ़े पर बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो किचन में काम कर रही होती है, वो मन में बोलती है कि क्या करूं, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बता देती हूँ ये लड़की नहीं तो नहीं सुधरेगी, अगर मैंने आज नहीं बताया तो ये हमेशा ऐसे ही करती रहेगी। इसके पापा को पता चलेगा ना, जब पापा से डांट पड़ेगी ना प्रिया आज के बाद ऐसा नहीं करेगी। इसकी जो मम्मी होती है वो तो मन में यही सोच रही होती है और खाना भी बना रही होती है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो बस ईशानी से बात कर रही होती है। उसको तो बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि उसके पापा आ चुके हैं घर में। वो बस ऐसे ही कॉल पे बिजी होती है और ऐसे ही बात करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। हमारी जो प्रीता की मम्मी होती है वो खाना बना लेती है और अपने हस्बैंड के साथ आके बैठ के टीवी देख रही होती है। वो मन में बोलती हैं कि बताऊं कि ना बताऊं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, बता ही देती हूं ये लड़की फिर ही सीधी होगी। फिर उसकी मम्मी सोचती हैं कि उसके सामने बताऊंगी, अभी नहीं बताती हूँ, जब खाना खाने के लिए बैठेगी ना तब इसके पापा को बात करूंगी मैं। ऐसा बोल के वो फिर से अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ, उनके साथ बैठ के टीवी देखने लग जाती हूँ। दूसरी तरह जो हमारी ईशानी है वो तो प्रीता के साथ बात करने में बिजी होती, वो तो खुद के बक 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 कर रही होती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो बहुत कम बोल रही होती है, और ऐसे ही वो ऐसे रिएक्ट करती है कि उसको मतलब कुछ हुआ ही नहीं, उसके मन में उसको कुछ डर वर वो ऐसे रिएक्ट ही नहीं करवाती है। वो बस जो हमारी ईशानी है वो उससे बातें किए जा रही होती है। फिर जो प्रीता होती है वो तो ऐसे ही बातें कर रही होती है, बट उसका मन नहीं लग रहा होता। वो जैसे ही टाइम की तरफ देखती है तो उसके जो हाथ पाँव हैं वो और ज़्यादा कांपने लग जाते हैं। तो वो हमारी प्रीता को बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है क्यों, कदर जा रही हो आप? फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि वो मम्मी बुला रही है मैं आती हूँ, ऐसा बोल के वो कॉल काट देती है। जो हमारी ईशानी है वो थोड़ी देर सोचती है कि यार इसको क्या हो गया, ये तो आगे पीछे मुझे बता के जाती है, चलो कोई बात नहीं, क्या बता उसको, मम्मी ही बुला रही हूँ। जो प्रीता होती है वो फिर चली जाती है, नीचे जाती है, देखती है तो उसके जो पापा और मम्मी होते हैं दोनों साथ में बैठे होते हैं। ये देख के प्रीता बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। वो भगवान से प्रे करती है, भगवान प्लीज़ 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 मम्मी ने नहीं बताया, मम्मी ने पापा को नहीं बताया, अगर पापा को पता चल गया तो पापा मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। वो ऐसे ही परेशान होती है और मन में प्रे कर रही होती है। ऐसे ही वो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी होकर प्रे कर ही रही होती है कि उसकी जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है चलो ना खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम खाना लगाओ मैं आता हूँ, ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो उठती हैं और किचन में जाती हैं और ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती हैं। फिर खाना वगैरह लगा के फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और बोलते हैं जाके ईशानी को तो बुला के लाओ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, उसको भी बुला के लेके आओ, वो कहाँ है। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ रुको मैं बुला के लेके आती हूँ। जो ईशानी होती सॉरी जो प्रीता होती है वो तो ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर रही। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है मैडम साहिबा, खाना कब लगा के देंगी, हमें खाना कब मिलेगा। फिर जो उनकी वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं और बोलती हैं कि अच्छा आपको भूख लगी है तो आप बताएं ना मैं खाना लगा रही हूँ। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, जल्दी से खाना लगाओ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती हैं हाँ ठीक है आप जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो जाती है किचन में और जो प्रीता के पापा होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर, ऐसे ही वो बैठे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो
किचन में जाके खाना लेकर आ रही होती है, और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, बोलती भगवान प्लीज़ मम्मी ने पापा को कुछ ना बताया हो, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ 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 मैं 101 नारियल चढ़ाऊँगी, मम्मी ने कुछ भी ना बताया। वो तो यहाँ पे यही सब कुछ प्रे कर रही होती है, और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो फिर खाना ले के आ जाती हैं और अपने हस्बैंड को देती हैं। फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि प्रीता बेटी अभी तक ऑफिस से नहीं आई। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और स्माइल करते हुए बोलती हैं जैसे आप है ना ऐसे ही आपकी बेटी भी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं क्यों क्या हुआ बेगम तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है कि संडे को कौन ऑफिस जाते, आज आपकी बुद्धू बेटी सुबह उठी, उठ के ऑफिस गई, देखा तो ऑफिस बंद था। फिर क्योंकि उसके जो पापा होते हैं वो ऐसे ऑफिस में काम करते हैं कि उनको संडे की नहीं बीच में इसमें छुट्टी मिल जाती है, बट संडे की रेगुलर छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो भी स्माइल करते हुए बोलते हैं मेरी बेटी मुझ पे नहीं तुम पे गई है, तुम ऐसी हो मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ आप तो है ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, एक हम ही बेवकूफ़ यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तो कहाँ है मेरी बेटी, तो मुझे अकेले खाना खिला रही हो, उसको भी तो बुलाओ, मैं अपनी बेटी को तो देखूँ कहाँ पर, वो उसके साथ बैठ के खाना खाऊँ, तुम अकेले डाल के मुझे दे दिए, मेरी बेटी को बुलाओ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा बैठो मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता के रूम में की तरफ जा रही होती है। जो प्रीता होती है वो जैसे ही देखती है अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी उसके रूम की तरफ आ रही होती है। फिर जो प्रीता होती है वो अपने रूम में भाग जाती है, बाकी उधर अपने बेड पर बैठ जाती है। और जो प्रीता की मम्मी होती है वो थोड़ी देर में हमारी प्रीता के रूम पे आती हैं, देखती हैं तो प्रीता बेड पर बैठी होती है। फिर प्रीता को देखती है और बोलती हैं कि तेरे पापा तुझे नीचे बुला रहे हैं, नीचे आ जा। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बहुत डरी होती है, वो जाती है एकदम से अपनी मम्मी के पाँव में बैठ जाती है और रिक्वेस्ट करने लग जाती है मम्मी प्लीज़ मम्मी प्लीज़ आपने पापा को कुछ तो नहीं बताया, मम्मी प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना, मम्मी प्लीज़ 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 पापा को कुछ मत बताना मम्मी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मम्मी के पाँव में बैठ के गिर गिरा रही होती है, और उसकी जो मम्मी है उसको उठाती हैं और गुस्से में बोलती हैं मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूँगी, तेरे पापा तुम्हारा फैसला करेंगे, बस जो वो करेंगे ना वही होगा, मुझसे कुछ भी उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया तुम्हारा, तभी मैं बोलूँगी तुम्हें एक्सीडेंट कभी क्या क्यों होता है, पूरा दिन तुम काम करती है बट तू खाना खाएगी तो तू सही होगी ना, पूरा दिन काम करो कुछ खाओ ना तो कैसे चलेगा, बस तू जान तेरा भाप जाने मुझे कुछ नहीं पता है। उसकी जो मम्मी होती है ऐसा बोल के वो रूम से बाहर जाने ही वाली होती है, तो जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी का पाँव नहीं छोड़ रही होती, बोलती मम्मी प्लीज़ ना मम्मी प्लीज़ पापा को मत बताना मम्मी प्लीज़, हर इंसान फांसी पे चढ़ने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती और आप मेरी ये बात नहीं मान रही, मम्मी प्लीज़ ना आज के बाद पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी मम्मी प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती है वो उसको उठाती है और बोलती हैं उठ जा एक मिनट, उठ के बेड पे बैठ, जो मैं तुझे बोलूँगी अगर तू वो करेगी तो ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, तू क्या मेरी बात मानेगी। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती हाँ हाँ मम्मी प्लीज़ आप जो मुझे बोलोगे मैं पक्का प्रॉमिस मानूँगी, क्या बात अगर माननी प्लीज़ मम्मी बताओ ना। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती हैं अगर तूने उस बात से मना किया तो मैं तेरे पापा को सब कुछ बता दूंगी, और हाँ मैं तुझे बता रही हूँ कि ये तेरी फर्स्ट एंड लास्ट बार है, अगर तूने आज के बाद ऐसा किया तो बेटा मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो रिक्वेस्ट करती होती है हाँ हाँ मम्मी प्लीज़ जो आप बोलोगी वही पक्का वही करूँगी वही पक्का प्रोमिस, वो ऐसे ही अपनी माँ के सामने फिर गिर गिराती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो जो प्रीता का हाथ होती है अपने सर पर रख लेती हैं, और जो प्रीता की मम्मी होती है फिर वो बोलती हैं कि तुझे मेरी कसम उठानी पड़ेगी, तू आज के बाद मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेगी और आज के बाद तू ऐसा नहीं करेगी, अगर तू मेरी कसम खाएगी तो मैं तेरे पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, अगर नहीं खाएगी तो मैं आगे सब कुछ बता दूंगी। जैसे ही प्रीता अपनी मम्मी की ये बात सुनती है तो बोलती मम्मी आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं मैं कसम नहीं खाऊंगी।
फिर उसकी जो मम्मी होती है, अगर तू खाएगी तो सही, अगर नहीं खाएगी तो चली जाए यहाँ से। फिर जो पिता मम्मी 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 वो बोल, उसकी मम्मी बोलती क्या मम्मी मम्मी बता मुझे खानी है कि नहीं, अगर खाएगी तो मेरे पापा को नहीं बताऊँगी, अगर नहीं खाएगी मैं जाके बता रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता है वो सोचती है और बोलती मम्मी कसम मैं ऐसे बोल रही ना, मैं पक्का प्रॉमिस नहीं बट आपकी कसम नहीं खा सकती ना मम्मी प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती बोलती नहीं जब तक तू कसम नहीं खाएगी तो तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर जो उसकी मम्मी होती है उसने अभी तक मतलब प्रीता का हाथ अपने सर पर रखा होता है, बोलते जल्दी खा कसम। फिर जो प्रीता होती बोलती हाँ हाँ मम्मी आपकी कसम आज के अभी झूठ भी नहीं बोलूंगी और कुछ नहीं छुपाऊंगी आपसे। फिर उसकी जो मम्मी है वो अपने सर से हाथ हटाती है उसका और बोलती है गुड तूने मेरी कसम खाई है, जिस दिन तूने झूठ बोल दिया तो उस दिन ही मैंने मर जाना है, याद रखना तू बेटा। फिर जो प्रीता बोलती मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही हो यार, आप क्यों मेरी माँ हो, मैं कैसे आपकी कसम तोड़ सकती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसके पास बैठती हैं और उसके हाथ को थामती है अपने हाथ में और बोलती हैं बेटा तू मेरी बेटी है, मेरी तुझे उससे कोई जिद नहीं है, हम माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें सलामत रहें, हम तो ये भी कभी बोल देते कि भगवान हमारी उम्र हमारे बच्चों को लगा दे और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमसे झूठ बोल रहे हैं हमें धोखा दे रहे हैं। बेटा हम जॉब किस लिए करते हैं, हम पैसा किस लिए कमाते हैं, बेटा बता तू मुझे आज किस लिए तू कमाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है और उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा हम पैसा खाने के लिए कमाते हैं, बेटा हम अपने इस पेट को भरने के लिए पैसा कमाते हैं ना कि ऐसे जमा करने के लिए, अगर हम पैसे को जमा करेंगे करेंगे अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, अगर हमें ऐसे ही चोटें लगती रहेंगी और हम फिर एक दिन हम चरपाई पे चलेंगे तो वही पैसा अगर हम नहीं कमा पाएंगे तो देखो तुम पैसा कमा रही हो थोड़ा लग रहा है तुम्हारे खाने पे तो लगने दो, तुम खाने के लिए पैसा कमा रही हो ना बेटा। इसकी जो मम्मी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रीता को समझाती हैं और ऐसे ही फिर जो प्रीता होती है वो ऐसे ही रोने लग जाती है, उसकी जो मम्मी होती हैं उसको हक करती हैं और बोलती है बेटा अब रोने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस तुम ये समझ लो कि हम खाने के लिए पैसे को कमाते हैं, बस आज के बाद मेरी बेटी प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो उसको ऐसे ही हक करती है, उसको दिलासा वगैरह देती है और उसको चुप करवाती हैं। फिर जो प्रीता होती है फिर वो भी अपनी मम्मी से बात वगैरह करती है, उसकी जो मम्मी होती हैं वो अपनी बेटी का मूड वगैरह ठीक करती हैं और बोलती हैं चलो बेटा तेरे पापा नीचे वेट करें, अगर हम और ज़्यादा लेट जाएंगे ना वो बोलने लग जाएंगे, चल तेरे पापा को बहुत भूख लगी और तेरा वेट कर रहे हैं वो। जो हमारी प्रीता होती है वो दोबारा से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, बोलती मम्मी आप सच में पापा को नहीं बताओगी ना। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है हाँ बेटा नहीं बताऊँगी यार चल। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को ऐसा बोलती है और प्रीता और उसकी जो मम्मी होती है वो नीचे चली जाती है। नीचे जैसे ही जाती है तो उसके जो पापा होते हैं प्रीता के वो डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, उन दोनों को देख के बोलते हैं कि यार भूख लगी है मुझे, कहाँ रह गई तुम लोग, मैं कब से बैठ के वेट कर रहा हूँ यार, देना है कि नहीं देना है, मैं चला जाऊँ यहाँ से। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो स्माइल करती हुई बोलती है एक तो आपको ला रही हूँ थोड़ा सा वेट नहीं हो सकता है आपसे क्या। फिर जो पिता के पापा होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें पता है ना मुझसे खाने में बिल्कुल वेट नहीं होता है, मुझे जब भूख लग जाए तो मुझे उस टाइम पे ही खाना चाहिए। फिर जो पिता की मम्मी होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आपकी बेटी आ गई ना, अभी दोनों बैठ के साथ में खाना को मैं लेके आ रही हूँ। ऐसा बल्कि जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो जाती हैं किचन में, जाके किचन में खाना वगैरह लेके आती हूँ और फिर डाइनिंग टेबल पर रख लेती हूँ और ऐसे ही सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। प्रीता के पापा जो होते हैं वो ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं और जो प्रीता की मम्मी और जो प्रीता होती है वो अपने पापा को देख रही होती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखती और हंसने लग जाती हैं। और जो प्रीता के पापा होते हैं वो जैसे ही देखते हैं तो ये दोनों हंस रहे होते हैं। फिर जो प्रीता के पापा होते बोलते कि तुम लोगों किस खुशी में हंस रही हो बताओ मुझे। फिर जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं हंसते हुए बोलती हैं आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कभी आपको खाना बना के दिया ही नहीं है, क्या प्रीता के पापा आप इतना ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं यार भूख लगी है खाना भी ना खाऊं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ खा ले खा ले खा ले।
फिर ऐसा बोल के जो प्रीता के पापा होते हैं वो फिर से खाना खाने लग जाते हैं, और जो प्रीता की मम्मी और प्रीता होती है वो दोनों भी खाना खा रही होती है। फिर जो प्रीता होती है वो मन में बोलती है कि हे भगवान शुक्र है मम्मी ने कुछ बोला नहीं पापा को, नहीं तो आज मेरी वोट लग जानी थी। भगवान थैंक यू सो मच, अभी मुझे 101 नारियल भी चढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसा बोल के वो ऐसे ही मन में सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती है, बोलती है भगवान थैंक यू सो मच। वो बहुत ज़्यादा भगवान को थैंक यू कर रही होती है कि उसकी मम्मी ने उसको पापा को नहीं बताया। फिर सब लोग ऐसे ही बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और जैसे जो हमारी ईशानी होती है वो बेटी होती है और परेशान होती है, बोलती है कि क्या यार ये लड़की कहाँ चली गई है, तो बिना बताए चली जाती है, काफ़ी टाइम हो गया कहाँ चली गई है, मैं भी कॉल नहीं करूँगी, खुद ही मुझे कॉल करेगी। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो फिर ऐसे ही अपने रूम में बैठी होती है, क्योंकि वो स्टडी कुछ भी नहीं करती, इस वजह से वो अकेली होती है तो वो बोर होने लग जाती है। फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और लेट के मूवी देखने लग जाती है। वो ऐसे ही मूवी देख ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसको हमारी प्रीता की कॉल आने लग जाती है। फिर जो ईशानी होती है वो एकदम से कॉल उठाती है और बोलती है कि कहाँ थी यार, एक तो आप तो जाती हो तो बता के तो जा सकती हो ना, कहाँ गई थी। जो प्रीता थी बोलती यार सॉरी ना, वो नीचे गई थी, पापा ने बुला लिया था ना, खाना खा रहे थे। फिर जो हमारी ईशानी है बोलती है वाह 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 क्या बात है आपकी, मुझे बिना बताए खाना खा के आ गई, मैं यार भूखी बैठी हूँ यार, कम से कम बता के तो जाती ना, मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता थी बोलती है सॉरी बच्चा आप जाओ ना, चलो आप जाओ, आप खाना खा के आओ। फिर जो हमारी ईशानी होती बोलती नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, बस छोड़ो, खुद तो खाई और मुझे पूछा भी नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के कब से वेट कर रही हूँ, मुझे कितनी जोर की भूख लगी थी, मैं तो आपका वेट कर रही थी। फिर जो प्रीता होती है बोलती है अच्छा जान सॉरी, प्लीज़ आप जाओ ना खाना खा के आ जाओ ना, मम्मी आ गई थी रूम पे तो इस वजह से फिर मैं चली गई थी ना, पापा बुला रहे थे, प्लीज़ आप जाओ ना अभी जाके खाना खा लो, प्लीज़ 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 प्लीज़। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीता को रिक्वेस्ट करती है। फिर जो प्रीता होती है बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, रुक जाओ मैं थोड़ी देर में आती हूँ खाना खा के, आप लाइन पे रहो। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है ठीक है बच्चे आप जाओ जाके खाना खा के आ जाओ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो फ़ोन को साइड में रखती हैं और चली जाती हैं खाना खाने के लिए। देखती हैं तो उसकी जो मम्मी लोग होते हैं सब लोग खाना खा रहे होते हैं, और हमारी जो ईशानी वो जैसे ही देखती है तो सब लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर वो बोलती है अपनी मम्मी को क्या मम्मी आपने मुझे बुलाया भी नहीं खाने के लिए। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा तेरी मर्जी है, जब तू आ खा पी जा, तेरा अपना घर है, अभी तुझे खाने के लिए भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जब तुझे बुलाओ तो तू कभी क्या करती है कभी क्या करती है, तेरा मुझे कुछ समझ नहीं आती, चले आ जा खाना खा ले। फिर जो ईशानी है तो वो मुंह बनाते हुए बोलते आप मुझे प्यार ही नहीं करती हो, जब मैं चली जाऊँगी ना तब आपको कदर आएगी। जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं, उन दोनों का मूड ऑफ हो जाते हैं, उन दोनों का जो ऐसे ही हैप्पी थे उन लोगों दोनों का मूड ऐसे ही सैडनेस हो जाता है। वे जो ईशानी है उन दोनों के फेस की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हो गया अभी, आप लोग इतनी खुशी थे और वैसे मुंह क्यों बना ले आप लोगों ने। फिर जो ईशानी के मम्मी होते हैं बोलती है कुछ नहीं आके खाना खा ले। फिर जो ईशानी है वो जाती है बैठ के खाना खाने लग जाती है, और साथ में अपने पापा के साथ बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं, ऐसे ही बातें भी कर रहे होते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं हमारी ईशानी की बात सुन के कि जब मैं चली जाऊँगी ना तब आप लोगों को मेरी कदर आएगी। ये जो बात होती है ये हमारी ईशानी की मम्मी और पापा के मन में गूंज रही होती है, उनको बार बार यही बात उसकी याद आती है, और उसके जो पापा होते हैं वो ईशानी को देखते हैं और फिर वहाँ से उठ के जाने लग जाते हैं। फिर जो ईशानी है वो अपने पापा को रोकते हुए बोलते हैं पापा कहाँ जा रहे हो आप, बैठ के खाना तो खा लो ना। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते बेटा मैंने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है। फिर जो ईशानी होती है पापा क्या हो गया बताओ ना पापा क्या हुआ। इसके जो पापा होते बोलते कुछ नहीं बेटा मैं जा रहा हूँ रूम में, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा करके उसके जो पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो भी सारा मतलब खाने वगैरह की प्लेट वगैरह जो रखी होती है वो उठाती है किचन में लेके चली जाती है। उनका भी मूड
काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, वो फिर जाती है किचन में जाके वो किचन का काम करने लग जाती है। यहाँ जो ईशानी होती है वो सोच में पड़ जाती है कि मैं ये बात की और मम्मी पापा का मुंह इतना उतर क्यों गया यार, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं कभी वापस आऊँगी नहीं घर, क्या वजह है, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। बल्कि वो खाना खाती है और फिर खाना खा के वो जाती है किचन में प्लेट रखने के लिए, जाके देखती है तो उसकी जो मम्मी होती हैं वो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है। और जैसे ही ईशानी ये देखती है तो वो बोलती मम्मी मम्मी आप क्या हुए, आप क्यों रो रहे हो मम्मी। उसकी जो मम्मी होती है बोलती कुछ नहीं बेटा, वो आंख में कुछ चला गया था ना तो इस वजह से। फिर जो ईशानी बोलती है मम्मी आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो, क्या हुआ है, मुझे लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या हुआ है माँ बताओ ना प्लीज़। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कुछ नहीं बच्चे कुछ नहीं, वो आँख में कुछ चला गया था इस वजह से रो रही हूँ। उसकी मम्मी ऐसे ही बहाना बनाती है और बोलती है ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसकी जो मम्मी होती है वो भी वहाँ से चली जाती हूँ। जो ईशानी है वो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है कि मेरी मम्मी पापा ऐसा मेरे साथ क्यों करे। वो बोल फिर वो इस बात को इग्नोर करते बोलती छोड़ो नहीं बता रहे तो मत बताएं, मैं भी जा रही हूँ रूम में ऐसा। बल्कि वो चली जाती है रूम में, रूम में जाती है और ऐसे ही दरवाजे को लॉक करती है और बेड पे आके लेट जाती है। और देखती है तो हमारी जो प्रीता मैडम होती है वो अभी तक लाइन पर ही होते हैं, वो लाइन पर होती है बट वो जो प्रीता होती है वो तो कुछ सॉन्ग गा रही होती है, और जो प्रीता होती है वो अपने मज़े में सॉन्ग गुनगुना रही होती है। तो जो ईशानी है वो जैसे ही अपने फ़ोन को कान के साथ लगाती है तो देखती है उसकी जान गाना गा रही होती है। वो फिर अब कान उसके साथ मोबाइल लगाती है और आशा हमारी ईशानी का सॉन्ग सुनने लग जाती है। ईशानी काफ़ी देर तक एक सॉन्ग दूसरा सॉन्ग तीसरा सॉन्ग, वो तो इस मज़े में होती है, वो तो हमारी ईशानी का वेट कर रहे थे बट उसको क्या पता होता है कि ईशानी कब से आ गई और उसका इसी का सॉन्ग सुन रही है। वो फिर सॉन्ग मेरा ख़त्म करती है और बोलती है कि यार ये क्या ईशानी अभी तक नहीं है, क्या खाना खा रही है बना रही है कि क्या कर रही है। फिर जैसे ही वो ये बोलती है तो उसके बाद जो ईशानी है बोलती है ना मैं खाना खा रही हूँ ना बना रही हूँ, मैं आ गई हूँ कब से और आप सॉन्ग गा रही थी, मैं आपका सॉन्ग सुन रही थी। जैसे ही हमारी ईशानी को पता चलता है तो प्रीता मतलब उसका सॉन्ग सुनो बोलती क्या यार तुमने मुझे बताया भी नहीं, बता तो सकती थी ना कि मैं आ गई हूँ। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कि मेरी जान इतने प्यार से सॉन्ग गा रही थी तो मैं उसको कैसे टोक सकती थी, हाय जान बहुत मज़े का सॉन्ग था, एक और सॉन्ग सुनाओ ना यार कितना अच्छा था यार, बहुत सुकून मिल रहा था आपका सॉन्ग सुन के। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है क्या मुझे नहीं आता है सॉन्ग, ठीक है यार वीडियो कॉल पे मुझे आपको देखना है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को वीडियो कॉल करती है और दोनों ऐसे ही वीडियो कॉल पे रहते हैं और ऐसे ही बात करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता को बोलती है जान मैं तो मेरा रिजल्ट आएगा तो मुझे पापा बाहर भेज देंगे यार, उस बारे में कुछ सोचा है क्या। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है क्या सोचा है जो होगा देखा जाएगा। फिर जो ईशानी तो बोलती क्या होगा देखा जाएगा, मैं वहाँ पे अकेली नहीं जा सकती हूँ मुझे आपके साथ जाना है। जिस पे हमारी प्रीता होती है वो उसको थोड़ा सा स्माइल में बोलती है कि क्या जान हर जगह तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ ना। जो प्रीता है वो मूड बनाती हुई बोलती हूँ मैं अकेली नहीं जा सकती जान, प्लीज़ आप भी कुछ करो ना, अभी मेरे साथ आओ ना यार प्लीज़ 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 प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है कि यार पहले आप जाओ ना उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे आना है कि नहीं। फिर जैसे ही हमारी ईशानी हुई बात सुनी बोले क्या आना है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलोगे मैं अकेले नहीं जाऊँगी यार, मुझे कुछ पता भी तो नहीं होगा ना, प्लीज़ आप चलो ना मेरे साथ। फिर जो प्रीता होती है बोलती है अच्छा बाबा देखेंगे पहले आप जाओगी तो उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी ना। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है अगर आप नहीं आई ना पक्का मैं वहाँ से आ जाऊँगी, मैं नहीं स्टडी करूँगी अकेली मुझे आप लोग भेज रहे हो। वो ऐसे ही फिर ऐसे ही रोने वाला फेस बना देती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है हाय मेरा बच्चा रो रहा है, आप तो बड़ी हो गई हो यार, अभी मैच्योर हो गई हो, अकेली कहाँ, वहाँ पे बहुत सारे आपके न्यू फ्रेंड बनेंगे, वहाँ पे सब लोग होंगे, कहाँ आप अकेली हो। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है अकेली तो हूँ मेरी जान मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ हैं तो मैं अकेली तो होगी ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है जान सुनो
जब आप जाओगी ना तब हम देखेंगे, अगर मुझसे होगा ना मैं ज़रूर आपके पास आऊँगी। पहले आप जाओ ना वहाँ पे, आप स्टडी के लिए जा रही हो यार, स्टडी करो ना, हमारा सपना पूरा नहीं करना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर जो ईशानी है वो थोड़ा सा उसको समझ आता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। फिर जो ईशानी है वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करो, कुछ और बात करते हैं। फिर जो हमारी प्रीता है वो स्माइल करती हुई बोलती कि ये टॉपिक आपने स्टार्ट किया था जान, मैंने नहीं। फिर जो ईशानी वो होती है वो मुँह बनाते बोलते ठीक है ऐसा बोल के, फिर दोनों ऐसे ही रोज़ की तरह बात। हमारे क्यूट और स्वीट से कपल ऐसे ही अपने एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते रोज़ की तरह को पता ही नहीं चलता है कि कब इन दोनों आँख लग जाती है, और हमारे जो क्यूट और स्वीट से कपल होते हैं वो दोनों सो जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों तो आराम और सुकून से सोए होते हैं, और एक इंसान है जो इन लोगों के पीछे पड़ा होता है, ख़ास तौर पे हमारी ईशानी के पीछे वो हाथ धो के पड़ जाती है। वो लड़की होती है कविता, कविता ने उस लड़के को बोल के तो उससे हमारी ईशानी का पूरा बायोडाटा निकलवा लिया होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कविता होती है उसको पता चल जाता है कि ये बाहर जा रही है, और ये सब कुछ प्रोसेस उसने पता लगवा लिया होता है, जिसकी वजह से जो कविता होती है उसके दिमाग में तो कुछ और से और ही आइडियाज चलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसने उसका बायोडाटा सब कुछ पता करवा लिया होता है, ए से जेड तक सब कुछ। वो बोलती है कि लड़की तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, और जो भी प्रीता की लाइफ में आएगी मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, बेशक वो कोई भी क्यों ना हो। उसके मन में तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है कि वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ेगी अगर उसके लाइफ में कोई और पर्सन आएगा। वो तो बस यही सब कुछ सोच रही होती है, देखेंगे कि क्या होता है। तो जो हमारे कपल होते हैं वो तो सो गए होते हैं। फिर ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है रोज़ की तरह, जो हमारी प्रीता होती है वो मॉर्निंग में उठती है, और साथ में हमारी ईशानी को भी उठाती है बहुत ही प्यार से। फिर जो ईशानी है वो भी उठती है, और हमारी जो प्रीता होती है बोलती है ठीक है जान अभी आप सो जाओ, ठीक है ना मैं जा रही हूँ ऑफिस। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, वे वहाँ से उठती है और वो चले जाते हैं। और जो ईशानी होती है वो फिर से सो जाती है, और जो हमारी प्रीता होती है वो कुल नहीं काटती, वो जाती है वॉशरूम में, वॉशरूम में फ्रेश अप होके आती है, और देखती है तो रोज़ की तरह उसका क्यूट सा बच्चा उसके सामने बहुत ही मासूम और स्वीट तरह से सो रही होती है। देखते हैं कि कितने दिन तक इन लोगों का यही सब कुछ चलता रहेगा, क्या हमारी ईशानी जब जाएगी को इन लोगों की ऐसी वीडियो कॉल हो पाएगी कि नहीं, ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो रेडी वगैरह होती है और फ़ोन कॉल पकड़ती है, और हमारी प्रीता को प्रीता रोज़ की तरह हमारी ईशानी को किसियाँ करती है, फिर कॉल काट देती है। फिर जाती है नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, करके वो अपनी मम्मी को बोलती है ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। उसकी जो मम्मी है वो उसको बोलती है कि आज मैं आऊँगी बेटा तेरे लिए खाना लेके। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है मम्मी नहीं। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती प्रॉमिस याद है कि बेटा भूल गई हो, वो बोलते हाँ हाँ ठीक है मम्मी ठीक है आप ले आना। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती ठीक है बेटा मैं तेरे लिए खाना लेके आ जाऊँगी 1 बजे। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती ठीक है मम्मी ठीक है अभी मैं जाऊँ। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा ठीक है जा, और हाँ मैं आऊँगी समझ रही है ना। तो वो बोलती है ओके मम्मी ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है ऊपर, और अपना फ़ोन और अपना पर्स लेती है और स्कूटी पे बैठती है और चली जाती है ऑफिस में। ऑफिस में जाती है तो सब लोग आए होते हैं, और वो जाती है अपनी जगह पे बैठ जाती है, और जो कविता होती है वो फिर आई होती है। वो जैसे ही देखती है तो प्रीता आ गई है, वो प्रीता आती है तो फिर से उसके पास जाती है और बोलती है कि प्रीता मुझे ना तुमसे कुछ काम है यार, मेरे घर पे भी पार्टी है ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें मेरे घर पे आना पड़े, देखो मैं तुम्हारे घर पे भी आई और तुम्हें मेरे घर पे भी आना पड़ेगा। फिर जो हमारी प्रीता थी बोलती है यार अब काम है ना मैं नहीं आ सकती हूँ, पार्टी कब है। फिर जो कविता होती है वो बोलती है जब तुम बोलेगी हम तभी रख लेंगे। जो प्रीता बोलती है क्या मतलब। फिर जो कविता होती है वो बोलती कुछ नहीं ठीक है मेरे घर में भी एक दिन मैं पार्टी रखूँगी, और मैं तेरे घर पे आई ना तो तुझे भी मेरे घर पे आना पड़ेगा। फिर जो हमारी
प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है पापा, वो तो हाँ में भर देती है। ये सब कुछ सुन के जो कविता होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसके माइंड में पता नहीं क्या ऐसा शैतानी चल रहा होता है कि वो ऐसी फेक सी स्माइल हमारी प्रीता को देती है। जो प्रीता होती है उसकी तरफ देखती है, उसको बहुत अजीब सा लगता है। वो मन में बोलती है कि ये लड़की कितनी अजीब सी है यार, मुझे तो उसकी कुछ समझ ही नहीं आती है। वो तो बस मन में यही भूली होती है, बट जो हमारी मासूम सी क्यूट सी लड़की होती है उसको क्या पता होता है। यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, बट वो कहाँ वाकिफ होती है ऐसे लोगों से। वो फिर अपना काम करने लग जाती है, और जो कविता होती है वो फिर से जाती है, जाके ऑफिस में बैठ जाती है। उसका तो काम में वो काम कम और हमारी प्रीता को ज़्यादा देखती, वो पूरा पूरा दिन उसमें ही खोई रहती है, उसको देखती रहती है और ऐसे ही गेस्ट करती रहती है कि कब ये मेरे पास आएगी, कब मैं इसको टच करूँगी। वो हमेशा उसको टच करने का बहाना ढूंढती रहती है। वो फिर ऐसे ही बैठी होती है, उसको देख रही होती है लोगों का। तो यहाँ पे ये सब कुछ सीन चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं, उसकी मम्मी आती हैं उसके रूम पे और बोलती हैं कि बेटा उठ जाना, क्या है। फिर जो ईशानी वो बोलते हैं मम्मी मैं उठ के क्या करूँगी यार, पूरा दिन बोर हो ही रहती हूँ, मैं क्या करूँ। उसके जो मम्मी पापा थे वो दोनों साथ में आए होते हैं, और जैसे वो अपनी बेटी की बात सुनते हैं तो उसकी पापा अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं देखो मेरी बेटी को तुमने बोर्ड करवाया हुआ है यार, इसको कहीं ले के जाओ घुमाने फिराने। जैसे ईशानी अपने पापा की बात सुनते हुए एकदम से उठ से उठ के बैठे बोलते पापा पापा आप कब आए। इसके जो पापा होते हैं बोलते मैं कब आया, मैं तेरी मम्मी के साथ आया जब मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं घर पे बोर हो जाती हूँ तो मैं तब आया। फिर जो ईशानी बोलते नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा मुझे पता है तू घर पे रह के बोर हो गई है, हम लोग तो उससे यही बात करने आए थे कि आज हम लोग जा रहे हैं तेरी मासी के घर। ये सुन के जो ईशानी है वो बहुत खुश होते बोलते पापा सच में सच में। उसके जो पापा होते बोलते हाँ बेटा सच में, चल उठ जा रेडी बेड़ा हो जा, क्योंकि हमने सोचा हमारी बेटी घर पे बोर हो जाती है तो हम अपनी बेटी को घुमाने लेके चले जाते हैं। मैंने भी एक मंथ की छुट्टी ले ली ऑफिस से और मुझे भी ऑफिस में नहीं जाना है, ये पूरा मंथ मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी प्रीता ये बात सुनती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। वो उठते उठ के जाती है अपने पापा के पास और उनको हग कर लेते बोलते थैंक यू सो मच पापा, पता है मैं बहुत बोर हो जाती थी, पूरा दिन फ़ोन चलाऊँ लेटूँ सोऊँ फिर बैठूँ मैं क्या करूँ, बहुत बोर हो जाती थी आपको तो पता है ना। उसके जो पापा होते हैं हाँ बेटा मुझे पता है, तभी मैं आज शाम के ट्रेन की टिकट करवा ली ना तो तुम रेडी हो जाओ हम लोग निकलेंगे ठीक है ना 12-1 बजे तक। फिर जो हमारी शानी बोलती है पापा आज ही, उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा आज ही। वो बोलती है अच्छा पापा ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, चलो आप जाओ वो लोग भी जाओ रेडी हो जाओ, पैकिंग भी तो करनी है कितने सारे काम है, मुझे नहाना है पैकिंग करनी है रेडी होना है 1 बजे, ये तो कितना कम टाइम। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा रुक जा ब्रेकफास्ट तेरा कौन करेगा, ब्रेकफास्ट पहले आज नीचे कर, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है उसके बाद जो मन करे वो करना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को डांटती है और बोलती है आके ब्रेकफास्ट का उसके बाद आके तैयारी कर लेना। फिर जो ईशानी है वो मुँह बनाती बोलती है अच्छा मम्मी आप लोग जाओ मैं आ रही हूँ, सारा मूड ख़राब कर देती हूँ मम्मी आप डांट के। फिर जैसे ही ईशानी के पापा ये बात सुनते हैं प्रीता के मुंह से तो उनको बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते अपने वाइफ को क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा डांटती रहती, तू देखती नहीं हो मेरी बेटी का तुमने मूड ख़राब कर दिए। जो ईशानी की मम्मी तो वो स्माइल करती है बोलती हैं हाँ हाँ आप चढ़ा लो अपनी बेटी को सर पे, आप जानो आपकी बेटी जाए मुझे कुछ नहीं पता, जिसको खाना है तो आके खा ले, बाद में मुझे बोला कि भूख लगी मैं कुछ नहीं बना के दूँगी, मैं पहले ही बता रही हूँ ऐसा। बल्कि उसकी जो मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो ईशानी और उसके पापा होते हैं वो दोनों ऐसे ही खड़े होकर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा तू आ जा नीचे ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद जो मन करे वो कर लेना। फिर जो ईशानी होती है बोलती है ठीक है पापा, ऐसा बल्कि जो ईशानी होती है वो अपने पापा को बोलती है चलो पापा साथ में चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा, ऐसा बल्कि दोनों बाप बेटी जाते हैं नीचे और सब लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और साथ में हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है ऐसे ही काम करते करते कब
12 बज जाते हैं, उसकी जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो टाइम की तरफ देखती हैं, वो लोग उन्होंने खाना रेडी कर लिया होता है, वो टिफ़िन में डाल रही होती हैं कि उनके हस्बैंड आते हैं ऊपर से और बोलते हैं कि बेगम ये तुम क्या कर रही हो, ये किसके लिए खाना डाल रही हो। फिर उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि प्रीता के पापा ये मैं प्रीता के लिए खाना लेके उसके ऑफिस में जा रही हूँ। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि उसके ऑफिस क्यों, वो ऑफिस में खाना नहीं खाती। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बहाना लगाते हुए बोलती हैं कि आपको तो पता है ना बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बीमार हो, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी को डेली यहाँ से खाना ला के दिया करूँगी, उसको बाहर का खाना नहीं खाने दूँगी। जैसे ही प्रीता के पापा ये सुनते हैं वो स्माइल करते हैं और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ अपनी बेटी की तो फिक्र है, अपने हस्बैंड के लिए तो तुम कभी खाना नहीं लेके आई, हाँ बच्चों की तो फिक्र होती है बट हस्बैंड की नहीं है। इसकी प्रीता की जो मम्मी है वो अपनी हस्बैंड की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मैंने कभी आपको खाना बना के खिलाया ही नहीं है, ये प्रीता के पापा आप कैसी बात कर रहे हैं। जो प्रीता के पापा बोलते हैं हाँ मैं तो सही बोल रहा हूँ, तुम आज तक मेरे लिए टिफ़िन लेके आई। तो फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है आप खुद जो आ जाते हो खाना खाने के लिए तो मुझे लेके जाने की क्या ज़रूरत है। फिर जिस पे प्रीता के पापा हंसते हैं वो बोलते हैं देखो मैं खुद ही आ जाता हूँ और तुम हो अपनी बेटे के लिए वाह खाना लेके जाओगी, डेली लेके जाना है। फिर प्रीता की मम्मी बोलती है हाँ मैं अपनी बेटे के लिए डेली उसके ऑफिस में खाना लेके जाया करूँगी, क्यों आपको कोई मसला है बता दो मुझे। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ स्टोरी को बिना स्किप करके देखा करें, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू सो मच।